नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है, आप देख रहे हैं टेक्निकल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फ़ोन कुछ भी हद तक स्लो चलता है तो उसे किस माध्यम से उसको आप फास्ट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल ट्रिक है दोस्तों। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी रिलेटिव अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता देंगे, इससे हम फिर से एक आपके लिए अपलोड वीडियो कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि फ़ोन कुछ हद तक मेरा जो स्लो चल रहा था तो उसका हम सोल्यूशन लेकर आए कि कुछ बढ़िया ट्रिक करके उसको कुछ हद तक फास्ट किया जा सकता है। अगर इससे भी नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकेंगे सर, तो इससे फास्ट नहीं हुआ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं फोन के तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग खोल लेना है। खोलने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, उसके बाद एडिशनल सेटिंग आएगा। एडिशनल सेटिंग पर आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएगा एक्सेसिबिलिटी, तो आपको एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी के बाद आपको नीचे स्वैप करना है, ये जनरल है, इसे बिगिनर पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमूव एनिमेशन मेरा चालू, ये ज़्यादातर कि बंदे रहता है, इसको आपको चालू करना है। चालू करने के बाद आपका कुछ हद तक जो फ़ोन है वो मतलब फास्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी रिमूव एनिमेशन हम रिमूव कर चुके हैं, तो देखिए मेरा फोन कुछ हद तक फास्ट हो गया। अब इसको हम बंद करके हम आपको दिखाएंगे कितना मतलब थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कुछ हद तक स्लो है, तो इसको हम मतलब चालू कर देते हैं। अगर आपको ऐसे मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च भी कर सकते हैं रिमूव एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो मेरा आ चुका है रिमूव एनिमेशन। रिमूव एनिमेशन पे टैप करने के बाद हम देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन नीचे भी आ गया, तो मेरा तो चालू है, आपको भी चालू करना है। इसके बाद आपका जो फ़ोन है कुछ हद तक आपका जो फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। अगर फ़ोन से रिलेटिव कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी अगर रिलेटिव फ़ोन से प्रॉब्लम हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।